हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज के वीडियो में हम यहाँ पर 100 मीटर का वर्कआउट देखेंगे, जहाँ पर अगर सब जो आपका यहाँ पर कंपटीशन नज़दीक आ रहा है तो आपको किस तरह से प्रैक्टिस करना चाहिए, कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए। जो आज हम जो वर्कआउट बताने वाले हैं तो किस तरह से वर्कआउट करना है, ऐसे हम 4 या 5 एक्सरसाइज आपको बताएंगे कि उसके वजह से आपका जो परफॉर्मेंस अच्छे से हो जाएगा। और जो अभी हम जो वर्कआउट कर रहे हैं, हर एक एक्सरसाइज आपको स्पीड से करना है। जब आप एक एक्सरसाइज स्पीड से करेंगे तभी आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा। और इसे हम आज 4 या 5 एक्सरसाइज देखेंगे कि जिसके वजह से आपका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा हो जाएगा। तो किस तरह से एक्सरसाइज करना है, कैसे करना है, चलो देखते हैं। पहले एक्सरसाइज में हम डबल लेग अप डाउन करेंगे। ये दोस्तों, अगर आपका कॉम्पिटिशन नज़दीक आ रहा है तो आप इस तरह से स्पीड से एक्सरसाइज करना। ये जो एक्सरसाइज है ये दोस्तों आपको करना है, लेकिन आपको स्पीड से करना है। ऐसे 2 या 3 सेट करना है, लेकिन मैक्सिमम स्पीड से करना है, जिसके वजह से आपका स्पीड और 100 मीटर का जो स्टार्ट होता है वो अच्छे से होगा। फिर उसके बाद इस तरह से आपको सिंगल लेग अप डाउन करना है और स्पीड से एक्सरसाइज करना है। आपको टो पर सिर्फ एक्सरसाइज करना है, लेग अप डाउन अच्छे से फास्ट करना है, जिससे आपका जो स्टार्ट है अच्छे से होगा, जो 100 मीटर का स्पीड अच्छे से होगा और आप रनिंग बहुत अच्छे तरह से कर सकते हैं। हफ्ते में दोस्तों एक बार तो आप ज़रूर करें इस एक्सरसाइज को। फिर उसके बाद हम यहाँ पर फ्रंट किक करेंगे। आपको लेग को विदाउट बेंड, मतलब आपको बेंड नहीं करना, आपको लेग स्ट्रेट उतारना है। क्योंकि इससे क्या होता है, इससे आपकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है और आपको बिल्कुल ऊपर की तरफ इस तरह से लेग उठाना है। इसके वजह से दोस्तों आपके लेग में बहुत स्ट्रेंथ बढ़ती है और आप जितना हो सके उतनी आप बॉडी खींच सकते हैं, ताकि आपका जो 100 मीटर का स्टार्ट से लेकर आप फिनिश तक अच्छे से दौड़ सकोगे। और इस एक्सरसाइज को भी आपको ऐड करना है। और नेक्स्ट आपको स्टार्ट की प्रैक्टिस करनी है, मतलब यहाँ पर आपको 20 या 30 मीटर में स्टार्ट की प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर आप ब्लॉक पर कर सकते हैं, नहीं तो आप विदाउट ब्लॉक स्टार्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका स्टार्ट भी अच्छा हो जाएगा। इस तरह से आप एक दशा ज़रूर करना, तो आपका 100 मीटर का टाइम जल्दी कम होगा।